महानगर में बिना मास्क और हेलमेट के घूम रहे लोगों की गाड़ियों का गुरुवार को पुलिस द्वारा चालान किया गया, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि अनलॉक वन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर न निकले। जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है और समान शुल्क भी वसूला जा रहा है। और लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक रहने के लिए बताया जा रहा है, सभी लोग इसको गंभीरता से लें और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, समय अनलॉक वन का टाइम चल रहा है, इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जोर दिया जा रहा है। साथ में स्पष्ट निर्देश है कि घर से बाहर जो निकलेगा वो अपना मुंह ढक के निकलेगा। उसके बावजूद भी कुछ लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति कड़ाई की जा रही है। एक शासन से निर्देश है कि उनसे समन शुल्क भी वसूला जा रहा है, साथ ही उनको हिदायत भी दी जा रही है कि आप इस महामारी को गंभीरता से समझें और इस प्रकार अपना जीवन और दूसरों के जीवन खतरे में न डालें।